कुशीनगर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने दो थाना क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 35 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की, साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में सब्जी के नीचे छिपाकर अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने बरवापट्टी थाना क्षेत्र से 2 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। वहीं पुलिस द्वारा जब्त पिकअप वाहन सहित शराब की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर में अवैध शराब के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें थाना खड्डा की पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन के साथ अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए का अवैध शराब वो पकड़ा गया है। करीब 35 पेटी अंग्रेजी शराब है और इसमें एक अवैध शराब के तस्कर राजू चौधरी को इसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि बेतिया बिहार का रहने वाला है। पूछताछ में इसने बताया कि पिकअप में रख के ये सब्जियों और खाली कार्टून के बीच में फंसाकर इस अवैध शराब की तस्करी कुशीनगर से बिहार करने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते हुए हमारे थाना कंटा की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और इस शातिर अभी तो पकड़ लिया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 10,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत किया गया।